प्रदेश भर में प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पिछले दिनों ये घोषणा की थी कि प्रदेश में स्कूलों में एक बार दाखिला फीस ली जाएगी, लेकिन लगातार इस घोषणा की अनदेखी कर रही है। इसी के चलते पानीपत में आप पार्टी कार्यकर्ता रेड लाइट चौक पर एकत्रित हुए और रोष स्वरूप रोष मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। लघु सचिवालय पहुंचकर पानीपत उपायुक्त समीर पाल सरों को ज्ञापन सौंप मांग की गई है कि प्रदेश की मनसा सभी को शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही प्रदेश सरकार से भी ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वापस मिले जो मनमानी निजी स्कूल कर रहे हैं बच्चे फीस हर साल फीस को लेकर के वो उनको रोका जाए और हर साल इंक्रीमेंट कर रहे हैं फीस में, ड्रेस में और बुकेस में, बुकेस चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से हम आम जनता का बहुत बहुत प्रॉब्लम हम लोग को हो रही है और ये रोका जाए। डीसी से मिले हैं जी। हाँ जी हाँ, हमने कहा अभी हम कुछ कार्रवाई करेंगे, अभी हम लोग उनसे मिल के आ रहे हैं, डीसी से ज्ञापन दे दिया हम लोगों ने और बोले हैं कार्रवाई करेंगे। पानीपत से जाट टीवी न्यूज़ के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।